अरे सुनो, अरे सुन रही हो? वो मेरा काला चश्मा कहाँ है? डार्क ग्लासेस मिल नहीं रहा है। सुन रही हो? ओ, इस घर में मेरी कोई सुनता ही नहीं है। शहंशाह बुलाते रहेंगे और मैडम बादशाह सुनती रहे, मैं ही ढूंढता हूँ वो कहाँ गया इनका काला चश्मा। सुन रही हो? ओ बर्पिता, कोई और क्यों सोचती थी पांडव? ओए पागलों के पाजी, सोना हूं मैं। ओ बीरे, अंकल का काला चश्मा घूम गया, उठ जरा हेल्प कर ढूंढने में। मैं क्यों मदद करूं? तू उठाए, तू जा, मैं सो रहा हूं गुल्ले। पर अब तो तू उठ गया है ना ब्रो। मैं उठा नहीं हूं, तूने मुझे उठाया, तो तू जा। बस कर रहा था, चला मदद करा त्यांना, दोघा मिळून शोधा त्यांचा चश्मा, चला। ते पिन्ने मंद लेवे इन्ने कुंडो के शल्यो इल्ले रेंडे रे। जब भी मैं कंफ्यूज होता हूँ आप दोनों लैंग्वेज बदल के मुझे और कंफ्यूज कर देते हो। अंकल जी, भाई भाई, अंकल जी, ये डब कटड़ो तलपी रूपो कल दो। वो काला चश्मा नहीं मिल रहा, बाथरूम में तो नहीं आया? अरे बाथरूम की नीले रात लेदो, इनका कलजोड़ एक इंच दोस्तों दे। मामा, अंकल जी के काले चश्मे हो गए, देखा आपने? ऑलरेडी कलजोड़ इधर नाने की नोट ली, ब्रो, वो तो नहीं उड़को, हमें ना नोट देने, हाँ? सब मुझे मामा क्यों बना रहे आज? अरे छेले दूर तो माता खराब हो गया थे, एक जोन ऐसे एक टा प्रश्न कर चे, पौरत जोन ऐसे चे एक ही प्रश्न कर चे, आपने ये सनग्लास टा कोथाओ देखे चन? यार, इल्ले, कंडले, अंजो अंजो बाती है बुढ़ंडा। एक खूनी तो घुसे चाह खा चुके थे। हाँ सनग्लास ऐसे बुढ़ो देख लिया। मेरे यहाँ कन्नारी कंडे उड़ गया, इन्हें केंद्र कन्नारी। हेलो। ओ, तू मुझे फोन क्यों कर रहा है? मैं तेरे पीछे हूँ। तू मुझे बार बार फोन क्यों करता है? ओ अंकल का काला चश्मा नहीं मिल रहा, तूने देखा कहीं? हाँ देखा था, फिर मैंने ये ले। तुम छोड़ो, मैं दे दूंगी। अरे भाभी, ये लीजिए। अरे यहाँ पहले एक बात क्लियर कीजिए। थैंक यू। काला चश्मा अभी क्यों चाहिए आपको? ये धूप का चश्मा मुझे इसलिए चाहिए था क्योंकि अब मुझे ये चाहिए नहीं। कुछ दिनों घर के बाहर तो जाना नहीं है ना, इधर उधर पड़ा रहेगा तो खो जाएगा तो फिजूल में आप सब लोगों को ढूंढना पड़ेगा। अब क्यों आप सबको तकलीफ दूंगा? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस फिल्म को बनाने में हम सब में से कोई भी अपने घर के बाहर नहीं निकला। जितने भी कलाकार आपने देखे सब अपने प्रांत, अपने शहर, अपने घर में थे और वहीं पर शूटिंग की। कोई भी घर से बाहर नहीं निकला। आप भी घर में रहिए, बाहर मत निकलिए, क्योंकि तभी आप इस खतरनाक कोरोना बीमारी से सुरक्षित रह पाएंगे। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। Stay home, stay safe. इस फिल्म को बनाने के पीछे एक और मकसद है। हमारे देश का फिल्म उद्योग एक है, हम सब एक परिवार है, लेकिन हमारे पीछे एक और बहुत बड़ा परिवार है जो हमारे लिए काम करता है, वो है हमारे वर्कर्स और डेली वेज अर्नर्स जो इस लॉकडाउन की वजह से संकट में है। हम सब ने मिलकर स्पॉन्सर्स और टीवी चैनल के सहयोग से धनराशि इकट्ठा की और इस संकट की घड़ी में ये जो धनराशि है वो हम देश भर के फिल्म उद्योग के वर्कर्स और डेली वेज अर्नर्स को राहत के तौर में देंगे। सो डोंट बी स्केयर्ड, डोंट पैनिक, बी सेफ, दिस टू शैल पास, टल जाएगा ये संकट का समय। धन्यवाद, नमस्कार।